उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। योगी सरकार मीटिंग करके प्रशासन को कोरोना से निपटने के लिए तैयार करते रहती है। टेस्टिंग से लेकर कोविड अस्पताल की सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इस महामारी काल में भी कुछ लोग अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है जमकर लूट खसोट मचा रहा है। खबरें ये भी आ रही थी कि मेडिकल इक्विपमेंट खरीद मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है और इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने सुल्तानपुर, गाजीपुर, बिजनौर, बाराबंकी सहित कई दूसरे जनपदों की ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दाम पर खरीदे जाने को लेकर एसआईटी जांच बिठा दी है। योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में आईएएस अमित गुप्ता और आईएएस विकास गोटलवाल भी शामिल हैं। एसआईटी मामले की जांच 10 दिन में पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। रिपोर्ट के आधार पर इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुल्तानपुर के लम्भुआ से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने कोरोना किट खरीद में घोटाले के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। इसकी जांच अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह को सौंपी गई थी और मनोज कुमार सिंह ने शुरुआती जांच में ये पाया था कि बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की शिकायत सही थी और सच में मेडिकल इक्विपमेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा में खरीदी गई थी। इस मामले में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने कहा था कि गाजीपुर और सुल्तानपुर के डीपीआरओ को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। सभी जिलों से खरीद के संबंध में सूचनाएं मांगी गई हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर के लिए 2,800 रुपए से ज्यादा अलॉट ना किया जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।